आज हम गोरखाली सुधार सभा में आए हैं, जहां पर महिलाएं परंपरागत तरीके से होली मना रही हैं। आप मुझे ये बताइए, पुराने समय में और अब के समय में किस तरह से आप लोग होली मनाते आए? अब पुराने समय में तो से ही ये होली का त्यौहार मनाते हैं। तो होली एक दिन, आज जैसे अभी रात को वो होगा, चीरदन होगा, तब फिर कल होली होगा। हमारे नेपाल में तो ये 3 दिन तक लगातार चलती रहती है, यहाँ एक दिन का होली होता है। एक दिन का होली होता है देहरादून में। आंटी जी, आप बताइए, आप पुराने समय से और अब तक जो होली का त्यौहार देखते आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले जो पहले ज़माने में होली होती थी, उसमें कलरफुल होती थी, जो पेड़ों के फूलों से होती थी, वो उसको पका के रंग बना के उसकी पिचकारी में उसी से डालते थे। और आज की होली जो है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के कलर जो लेके आते हैं, वो थोड़ा बीमारी का जड़ भी होता है, वो उसे यूज भी नहीं करना चाहिए। तो वो सबको दे के वो बच्चे उसमें पानी खेलते हैं, है ना। उसके बाद फिर वो जो कलरफुल है वो लगाते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, दुश्मनाई भाईचारा करते हैं, दुश्मनाई मिटाते हैं, गले मिलते हैं, पकवान बनते हैं, मिठाई खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, किस तरह से अब की होली और अब पुरानी होली आप देखते आ रहे हैं, और गोरखाली जो समाज है वो किस तरह से मनाता है होती? होली मनाने का तरीका तो सभी का एक ही है, गोरखाली हो चाहे गढ़वाली, चाहे कुमाऊँ या मद्रासी, कोई भी हो, मनाने का तरीका एक ही है। मगर यह है कि इसमें हमारे जो आपस में दुश्मनाई मन मुटाव जो होता है, वो एक ही रंगों में हम उसको धुल देते हैं, एक ही रंगों में हम मिला देते हैं उसको, और हमारा आपस का मन मुटाव सब खत्म हो जाता है। प्यार से होलियाँ मनाई जाती हैं और आपस में भाई बहन सब मिलकर एकजुट होकर ही हम ये खुशी मनाते हैं। गोरखा लोग जो हैं, एक्चुअली पूरे 5 दिन होली पहले मनती थी, जब हम बोलते थे जोबन का नाट, जब आपका बसंत ऋतु शुरू होता था, तो 5 दिन से घर घर टोली टोली जाके, जैसे आप कुमाऊँ में भी देखते हैं, वैसे टोली टोली जाके जोबन का नाच सबके और रंग होती थी। और होलिका दहन के दिन में रात को जब होली जलती थी, तो अगले दिन जिसे धुलेंदी कहते हैं, तो उस राख को लेके जो हमारे जो बावन बाजे हम लोग बोलते हैं, जो ब्राह्मण देवता होते हैं हमारे, वो जाएंगे, वो सबके घर में सुबह सुबह वो टीका लगाएंगे उससे। और उसके बाद हम उस खुशी को, जो हमने होलिका जलाने के बाद जो प्रहलाद का वो जो खुशी था, वो चीज़ हम रेप्लिकेट करते हैं यहाँ। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं, नॉर्थ इंडिया में सब जगह ही होली एक जैसी बनती है, और गोरखाओं में भी यही इसी तरह से बनती है, और पकवान बनते हैं, खुशी होती है, खुशी को एक दूसरे से मिलाप करने का एक जरिया है, और होली भी वही एक माध्यम है हमारा। आप बताइए, आप देहरादून में काफ़ी समय से रह रहे हैं, किस तरह से आप होली के दिन, किस तरह से आप होली का त्यौहार को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम देहरादून में रहे, जन्म से रहे हैं, हमारा जन्म यहीं हुआ है, तो हम लोग तो शुरू से ही होली मनाते हैं। और बेसिकली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये होली का त्यौहार, क्योंकि ये खुशियों का रंग होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है, और एक दूसरे का हम वो भी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, वो भी हमारे घर में आते हैं। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा त्यौहार होता है, और इसमें हमें सभी को मिलके, एक साथ मिलके, चाहे जितनी भी दुश्मनी हो या कुछ भी हो, उसे मिटा के एक साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये एक ऐसा त्यौहार होता है कि ये खुशियों का त्यौहार है, तो खुशियों के साथ ही मनाना चाहिए, इसमें सब कुछ भुला के, दुश्मनी एक तरफ रख के, अपना खुशी इजहार करते हुए, खुशी के साथ खेलते हुए होली मिलन होना चाहिए। आप भी काफ़ी समय से होली के त्यौहार को देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने क्षेत्र में होली के त्यौहार को देखते हैं? हम लोग जैसे कि चिड़ हमेशा जलती है, लेकिन उसमें लौंग और कपूर डालने से उसमें जो हवा जो फैलती है वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग जब होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें मतलब कपूर, इलायची और वो जरूर डालते हैं, ताकि वो हवा को शुद्ध भी बनाए और वो सभी के लिए अच्छी हो। और मतलब होलिका रंगों का त्यौहार है और रंगों से खेली जाती है सब मिलके। तो रंगों का त्यौहार होली सभी लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लोक भाषा, परंपरा और तमाम जो परिधान होते हैं उनके लिए जाने जाने वाला गोरखाली समाज अपने इस होली के त्यौहार को भी बहुत परंपरागत तरीके से मना रहा है। सुनील के साथ भारू प्रकाश नेगी, APN News, देहरादून।